अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे रतन सर खैरियत से होंगे। आज आपके साथ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर 2022 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, नाउ फर्स्ट वन, व्हाट इज द मास स्पेक्ट्रोमेट्री? And second one is about their molar volume, stoichiometry, limiting reactant क्या होते हैं, how we can identify the limiting reactant। उसके अलावा yield, actual और theoretical yield का एक question आपको mostly board में आता है कि actual yield theoretical से कम क्यों होती है, ये question most important है। इसके अलावा combustion analysis और इसमें जो magnesium chlorate और potassium hydroxide का use है इसके बारे में आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों आ सकते हैं। दिस वन इज द इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दिस चैप्टर। उसके अलावा अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग पोर्शन में यहाँ पर इस साल आपको न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल्स की जो प्रॉपर वीडियोज हैं सोल्यूशन वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, आप उन्हें सर्च कर सकते हैं चैनल पर, और तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स मैंने अपलोड कर दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और वहाँ से उसको ईजिली समझ सकते हैं। और इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं इस पर कोई भी आ सकता है, इसलिए ज़्यादा नहीं है, लास्ट में 7 to 8 न्यूमेरिकल्स हैं, तो हमको अच्छे से रेडी करने बहुत इजी है और उनकी एक एक क्वेश्चन की आपको वीडियो आराम से मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूँ ताकि आपको ईजिली फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना हो। खैर, अब बात करेंगे सेकेंड चैप्टर के बारे में। सेकेंड चैप्टर में फर्स्ट वन हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन। गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर क्रिस्टलाइजेशन में इस्तेमाल होने वाले प्योर सॉल्वेंट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके क्या नेम्स हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके अलावा सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन स्पेशली ईथर एक्सट्रैक्शन, RF क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशेंट, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेफिनेशन आपको आ सकती है, क्रोमेटोग्राफी इसका प्रिंसिपल, और एडजॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के और इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, क्योंकि सेकंड चैप्टर में से आपको बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आप उसको सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए अच्छे से रेडी कर लेंगे। इसके बाद लॉन्ग थर्ड चैप्टर है आपका, उसमें हम अगर बात करें शॉर्ट पोर्शन की तो बॉयल लॉ की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ज़्यादा नहीं है, 4 ही हैं, उनको अच्छे से देख लीजिएगा, उनमें से एक मोस्टली बोर्ड में आपको आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चार्ज लॉ, तो इसमें एब्सोल्यूट जीरो का क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकता है। इसी तरह से डिफरेंट टेम्परेचर कन्वेयंस स्केल जो है उनके बारे में क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर एवोगैड्रोज लॉ, पार्टीशन, डाल्टन्स पार्टीशन लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट डाल्टन्स पार्टीशन लॉ की जो एप्लीकेशन हैं इनको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह उसमें से एक छोटा आपको लाजमी बोर्ड में आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे फर्दर, तो प्लाज्मा के बारे में क्वेश्चन आपको आ सकता है, नेचुरल आर्टिफिशियल प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है, प्लाज्मा क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं। इसके अलावा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम की डेफिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लगा आपका लॉन्ग पोर्शन जो कि आपको आ सकता है। इसके बाद बात करें अगर हम शॉर्ट पोर्शन के हवाले से, सॉरी लॉन्ग पोर्शन के हवाले से, तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशंस की जो पोस्टुलेट्स हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन के थ्रू बॉयल लॉ किस तरह से ड्राइव करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर की जो एप्लीकेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, ये आपका लॉन्ग पोर्शन है इस चैप्टर का। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाई HF इज वीकर देन द HCl, व्हाई बिकॉज हाउ आइस फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, हाउ सी लाइफ सर्वाइव अंडर द फ्रोजन सी, फर्दर वन व्हाट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट H2S इज द गैस गिव रीजन, देन टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं सॉलिड्स की, पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, हैबिटेट ऑफ क्रिस्टल्स, सिमेट्री, ये आपकी जो जितनी प्रॉपर्टीज हैं इनको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, इनमें से मोस्टली आपको 2 डिफरेंस में फॉर्म में बोर्ड में देखने को मिलेगी। इसके बाद यूनिट सेल है, ठीक है, उसकी टाइप्स हैं, फर्दर क्रिस्टल लेटिस हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके पास आयोनिक सॉलिड्स हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स हैं, मेटेलिक सॉलिड, इनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा लिक्विड क्रिस्टल्स की डेफिनेशन और उसकी एप्लीकेशंस कोई सी भी दो आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं।
इसके अलावा हाउ टू अच्छा अब लॉन्ग क्वेश्चन से बात कर लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसको डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये है कि विच फैक्टर्स अफेक्ट द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, वन। सेकेंड वन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स में क्या रोल है, सेकेंड लॉ। थर्ड, मैनोमेट्रिक मैथड। फोर्थ वन, लिक्विड क्रिस्टल्स। फिफ्थ वन, आपके पास जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लेटिस हैं, जैसे अगर हम बात करें आयोनिक सॉलिड्स हैं, मालिक्यूलर सॉलिड्स हैं, मेटेलिक सॉलिड्स हैं, कोवलेंट सॉलिड्स हैं, ये इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयोनिक और मेटेलिक सॉलिड है। और उम्मीद है इनमें दोनों में से एक ही साल बोर्ड में आपको आ जाएगा, प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। अलबत्ता इसके अलावा जो आपकी यूनिट सेल की टाइप्स हैं उनको देख लीजिएगा, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल वगैरह वगैरह, ये आप देख लीजिएगा। शॉर्ट एमसीक्यूज, लॉन्ग, हर हवाले से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी आपको आएगा एमसीक्यूज का, शॉर्ट का या लॉन्ग का, यूनिट सेल को अच्छे से याद कीजिएगा। एक छोटा सा टेबल ही है बस, वो आपको याद करना होता है, ज़्यादा नहीं है उसमें। इसके बाद अगर हम फर्दर बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 5 के बारे में, तो चैप्टर नंबर 5 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, कैथोड रेस, कनाल रेस और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज आपको आ सकती हैं। इसके अलावा अगर हम फर्दर बात करें तो यहाँ पे फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन्स में क्या डिफरेंस है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर की डेफिनेशंस, इनमें रिलेशन भी पूछ सकते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। फर्दर वन आपके पास जो है ओरिजिन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एडसॉर्प्शन और पार्टीशन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है, इसके अलावा कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये आपका कह लेंगे इस चैप्टर का कह लेंगे शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसको आप अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इसी में सब वाइंड अप हो जाएगा। अलबत्ता अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैथोड रेज और सॉरी रेडियंस और एनर्जी की जो डेरिवेशंस हैं, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद करें, क्योंकि डेरिवेशंस जो है ना आपकी स्पेशल रेडियस की, ये तकरीबन हर साल बोर्ड में आती है, तो इसको आप लाजमी प्रिपेयर करें, बहुत ईजी है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं बकायदा इस पर वीडियो बना के अपलोड भी कर दूंगा ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने में। ओके, नेक्स्ट पर अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम है, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, इसके अलावा क्वांटम नंबर्स की जो टाइप्स हैं, प्रिंसिपल, एजमिथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए, मिल्किन ऑयलड्रॉप मेथड है, इसके अलावा जे जे थॉमसन का जो चार्ज टू मैस मेजरमेंट का जो मेथड है वो अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। तो ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 5 में से थे। अब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6 के बारे में, तो यहाँ पर जितनी भी टर्मोनोलॉजीज हैं लाइक आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, कोवलेंट बॉन्ड्स, आयन कोऑर्डिनेट, कोवलेंट बॉन्ड, ये तमाम टर्मोनोलॉजी आसान है, इन टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से डेफिनेशन एग्जांपल्स इनके अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। इसके अलावा वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है, वीबीटी की डेफिनेशंस के पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। इसके अलावा एमओटी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपके पास जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं इनकी डिफरेंस आपको पूछ सकता है, बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन आपको आ सकती है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में आ सकता है। तो ये कुछ शॉर्ट के टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, तो लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीबीटी, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp2 और sp, इन तीनों में आप एक एक एग्जांपल रेडी करें, कौन सी, sp3 में मीथेन ch4, sp2 में इथीन c2h4 और इथाइन c2h2, ये तीन एग्जाम्पल आप इनकी वन बाई वन रेडी कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा MOT ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा कंप्लीट वो अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन था। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के बारे में, यहाँ पर सिस्टम सराउंडिंग की डेफिनेशन, स्टेट फंक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है। इसके अलावा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है, इंटरनल एनर्जी है, इंथाल्पी हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, ऑटोमाइजेशन, फॉर्मेशन, कंबस्शन, न्यूट्रलाइजेशन, सब्लिमेशन वगैरह वगैरह, ये आप अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। और ये तमाम टाइप्स ऑफ इंथाल्पी अच्छे से रेडी करें, क्योंकि शॉर्ट में तो आपको आएंगी इंशाल्लाह, लेकिन अगर सपोज करें यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपने डेफिनेशन याद की उन्हीं को मिलाकर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने से अटैम्प्ट हो जाएगा। अलबत्ता इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें हैजिस लॉ,
बॉर्न हैबर साइकिल, बॉम कैलोरीमीटर, ग्लास कैलोरीमीटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके अलावा हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 के बारे में। यहाँ पे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस में कंपैरिजन है, केमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन है। इसके अलावा अगर हम फर्दर बात करते हैं तो यहाँ पर व्हाट इज अबाउट द आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, केसी ऑफ के बारे में पूछ सकते हैं, के डब्ल्यू के बारे में क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, पीएच पीयूएच क्या होती है। फर्दर वन अगर हम बात करें तो यहाँ पर वाई इज प्योर वाटर बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, के ए और के बी की डेफिनेशन डिफरेंस आपको आ सकते हैं, हेंडरसन्स इक्वेशंस फॉर एसिड एंड बेसिस। फर्दर वन आपको पीएच फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, इसका एक सवाल लाजिम बोर्ड में आता है। कॉमन एंड इफेक्ट क्या होगा, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है, बुफर सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको अच्छे से रेडी करें। इसके लॉ क्वेश्चंस की बात करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ली चैडविक प्रिंसिपल है, स्पेशली इसका जो पहली एप्लीकेशन है बाय चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, या आपका लॉन्ग पोर्शन है। इसके अलावा ये आपके इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा, लेकिन इस चैप्टर में से आप न्यूमेरिकल रेडी कर लें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल आने के चांसेस 90% है, और ज़्यादा न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से आते हैं। न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर के मेरे चैनल से मिल जाएंगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ताकि आप उसको देख लें और इजीली आपको समझ भी आ जाएंगे। नाउ चैप्टर नंबर 9, यहाँ से सोलिबिलिटी है, सोलिबिलिटी कर्व्स हैं, इसके अलावा आपके पास एब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट है, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, इसके अलावा क्या नाम है, अगर हम फर्दर बात करें तो के एन ए सी एल के एन ओ थ्री का क्या रोल है, जियोट्रॉपिक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये कुछ यहाँ से शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज है, इलेक्ट्रिक थर्मोलैरिटी है, मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शंस हैं, पार्ट्स पर मिलियन, परसेंटेज वगैरह, ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पोर्शन है शॉर्ट के हवाले से। लॉन्ग के लिए आप देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिबिलिटी कर्व्स को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, इसके अलावा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कंपैरिजन रेडी कर लीजिएगा, राउल्स लॉ को अच्छे से देख लीजिएगा लॉन्ग पोर्शन के लिए। तो ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग पोर्शन था चैप्टर नंबर 9 का। अगर हम बात करते हैं नाउ चैप्टर नंबर 10 के बारे में, तो चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर है, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की डेफिनेशन आपको आ सकती है, शी क्या होती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में क्वेश्चन आपको आएगा, दिस शी की है। फर्दर वन, अ सॉल्ट व्हिच मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सेल जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, तो ये आपको कुछ शॉर्ट पोर्शन है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें तो हाउ डू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, इसके अलावा वी कैन से दैट कि आपके पास जो है इक्वेशन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये आप इसको अच्छे से रेडी कीजिएगा, पहले तीन टॉपिक आपको यही है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लॉन्ग क्वेश्चन है, शी का क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आ सकता है। इसके अलावा जो लास्ट में आपको सेल दिए गए हैं प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, उनको देख लीजिएगा, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे 11th चैप्टर की, 11th चैप्टर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एवरेज रेट है, इसके अलावा फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ क्या होती है, डिटर्मिनेशन स्टेप का क्या मतलब है, डिटर्मिनिंग स्टेप हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, एक्टिवेशन एनर्जी है, आरहेनियस इक्वेशन है, ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के। आप कैटलिस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, उसके टाइप्स वगैरह है यहाँ पे। इसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ, कैटलिस्ट, ये आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो ये था आपका 11th चैप्टर ऑफ द फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री। इसके अलावा एमसीक्यूज की बात करेंगे, एमसीक्यूज के लिए आप चैप्टर के एक्सरसाइज जितने एमसीक्यूज हैं सारे अच्छे से रेडी करें, आपके सारे के सारे एमसीक्यूज वहीं से वाइंड अप हो जाएंगे। हाँ, अब आप जब शॉर्ट याद करेंगे लॉन्ग रेडी करेंगे तो आपके अगर रिस्पोज करें कि एक दो एमसीक्यूज चैप्टर के अंदर से भी आते हैं तो इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। इट्स मीन्स दैट कि अगर आप इन गेस्ट को अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप ए प्लस ग्रेड मार्क्स हासिल कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला को कामयाब करें। और मजीद किसी भी सब्जेक्ट किसी भी क्लास की अगर आपको गेस्ट पेपर रिक्वायर्ड हो, लेक्चर रिक्वायर्ड हो, तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।